ఇక రాజ్యసభ సమావేశాలని లైవ్ లో చూద్దాం. सदन के अंदर जो कांग्रेस के सदस्य बात रख रहे हैं, मैं सरकार की तरफ से ये कहना चाहता हूं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर जिस समस्या को ये उठा रहे हैं उस पर गृह मंत्री जी 2 बजे आपके सामने आकर बयान दे सकते हैं. गृह मंत्री जी 2 बजे बयान दे सकते हैं. कृपया आप अपनी सीट पर जाइए और जो इतना महत्वपूर्ण बिल है उस पर चर्चा आरंभ होने दीजिए. माननीय मंत्री जी का भाषण. माननीय उपसभापति महोदय, जैसा मैंने बताया कि ये सामान्य वर्ग के ऐसे गरीब लोगों के शैक्षणिक और रोजगार संबंधी सशक्तिकरण के संबंध में संशोधन बिल है. जो संशोधन में किया जा रहा है उसके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं. भारत के संविधान के आर्टिकल 15 में एक सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है और इसी प्रकार से संविधान के अनुच्छेद 16 में एक अतिरिक्त सब क्लास सब आर्टिकल 6 जोड़ा जा रहा है. वर्तमान में जो प्रावधान है उसकी जानकारी मैं पढ़ करके सुनाना चाहता हूं. संविधान के अनुच्छेद 15 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात 6. इस अनुच्छेद या अनुच्छेद 19 के खंड 1 के उपखंड 6 या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी, और खंड 4 और खंड 5 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए कोई भी विशेष उपबंध करने से वहां निवारित नहीं करेगी. जहां तक ऐसे उपबंध ऐसी शैक्षणिक संस्थाओं में जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 30 मैं आग्रह करता हूं अपने जगह जाए और ये बहस होने दे. ये महत्वपूर्ण बिल है, पूरा देश देख रहा है. शैक्षणिक संस्थाएं भी है, चाहे वे राज्य द्वारा सहायता पाने वाली है या सहायता न पाने वाली है, कोई चीज रिपोर्ट पर नहीं जा रही है आरक्षण सिवाय मंत्री जी के भाषण के अलावा. प्रत्येक प्रवर्ग में कुल स्थानों के अधिकतम 10% के अध्यधीन होगा और इस संबंध में एक स्पष्टीकरण दिया गया है. जो अनुच्छेद 15 और 16 में जो संशोधन किया जा रहा है इसके लिए है. इस अनुच्छेद और अनुच्छेद 15 के साथ 16 के प्रयोजन के लिए आर्थिक रूप से दुर्बल वर्ग वे होंगे जो राज्य द्वारा कुटुंब की आय और आर्थिक अलाभ के अन्य सूत्रों के आधार पर समय समय पर अधिसूचित किए जाए. इसी प्रकार से आर्टिकल 16 में जो संशोधन किए जा रहे हैं वो इस प्रकार है. संविधान के अनुच्छेद 16 में खंड 5 के पश्चात निम्नलिखित खंड अंतर्स्थापित किया जाएगा, अर्थात इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को खंड 4 में उल्लिखित वर्गों से भिन्न नागरिकों के आर्थिक रूप से दुर्बल किन्हीं वर्गों के पक्ष में नियुक्तियों और पदों के विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त तथा प्रत्येक प्रवर्ग में पदों के अधिकतम 10% के अध्ययन आरक्षण के लिए कोई भी उपन करने से निवारित नहीं करेगी. सभापति महोदय, ये संशोधन होने के बाद भारत सरकार को और राज्य सरकारों को आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग के लोगों को शैक्षणिक संस्थाओं में 10% आरक्षण और सरकारी सेवाओं में 10% आरक्षण देने के प्रावधान करने के अधिकार होंगे. आज के इस संशोधन के पहले भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं होने के कारण अभी तक इन वर्ग के लोगों को लाभ नहीं मिल पाता था और
से ये मांग की जा रही थी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने ये ऐतिहासिक निर्णय लिया है और आज मैं सदन के सामने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमको मालूम है कि इसके पहले भी कई सरकारों ने समय समय पर आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का निर्णय लिया, पर उच्चतम न्यायालय ने उसको अस्वीकार किया था और वो अस्वीकार करने का प्रमुख कारण ये था कि भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं था। इस कारण से 50% की जो सीलिंग लगी थी उसको आप मिस्त्री जी कुछ पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे प्लीज, ये सब लोग बुझने आप अनुशासन में रहेंगे तभी मैं सुन सकता हूँ। नहीं गलत बात है, पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं अलाउ करते। सर आई ड्रॉ योर अटेंशन टू दिस बिल। This bill has come as a supplementary business today only and in this afternoon. Number one, it has last because it for introduction any bill after the introduction it needed 2 days for a taking up for a discussion. That is one point. It is not a 2 days. Number two, this bill is not complete because the bill require object and the statement of object and also the financial statement. This bill doesn't have anything, you know, of that sort. Number three, you cannot be have the same day voting as well as the introduction. Number four, even if the chairman has a power to waive it, they will have to give you in writing the reason for that. And House has a right to know what are the reason and what is the urgency for the introduction of this bill and passing it on the same day. I want your ruling. And this House has a right to know what kind of a statement that they have given to you to see to it. This is to be introduced today and all of it has to be passed today. Voting has to be done today. Waiving 2 days, you know, the provisions. And also not putting the object, statement of the object. That is there. And the bill is not complete. The bill required, it is mandatory under the Rule 60. Select committee. 61. That's all that I had a point of order and I want your ruling on that. Is bill ke baare... Sir, I have another point of order. Please, sir. Sir, main samajhta hoon ki... आज भी जो विपक्षी दलों के साथ बैठक हुई और लोकसभा के अंदर भी जो सारी कार्रवाई हुई इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 124 बिल को लेकर जिसमें सरकार 10% आरक्षण आर्थिक आधार पर दे रही है, उसके बाद ये सहमति बनी कि 8 घंटे इसके ऊपर चर्चा होगी। अब मैं नहीं समझता हूं कि जब चेयरमैन को ये अधिकार है किसी भी चीज को वेव करने के, सदन को चलाने के लिए, तब विपक्षी पार्टियां और खासतौर से कांग्रेस इस तरह के टेक्निकल इश्यूज को उठाकर इस बिल को रोकने की कोशिश करे, इस बिल को रोकने की कोशिश करे, जबकि जब एक मुझे पूरा करने दीजिए सर, जबकि लोकसभा के अंदर और स्वयं प्रधानमंत्री मोदी ने सभी सांसदों का इस बात के लिए धन्यवाद किया है कि आपने इस बिल को पारित किया है, क्योंकि ये बहुत समय से लंबित था इसके ऊपर कार्रवाई होनी। तो मेरा ये कहना है ये तकनीकी तौर पर इशू उठाकर सदन बिल्ली को संबंधी चर्चा जरूरतों पर लाइव चुदा। This nature will have serious implications on our society and when parliament makes law, parliament should do it properly and this bill has to go through certain procedure. It has not gone to standing committee and now when it comes to Rajya Sabha, there is a genuine demand, it should go to select committee. At the introduction stage, the chair has announced a motion is there and that motion has been moved. What happened to that motion? First, let us discuss that motion. Whether the House decides to send it to select committee or not, that should be decided first. Then we will discuss others. Please.
Can we move? No, already he started in minister. Sir, you allowed me to move the motion, so let us discuss on that and let us make a decision. It will be discussed later. Sir, we have got your notice. I have already announced it. Yes, sir. Yes, sir. Now let me give the ruling. Honorable Chairman has given waiver under Rule 123 for consideration of the bill at a short notice on receiving a request from the minister. In today's morning meeting, it was agreed upon to allocate 3 hours for discussion again on the consideration and constitutional amendment bill. I want the division now. मैं स्पष्ट कर देता हूँ, जब पहले विपक्षी दल के सदस्य नहीं आए थे उस समय 3 घंटे बैठा, जब सारे विपक्षी दल आ गए तो मिलकर ये तय किया गया कि इसके ऊपर 8 घंटे बहस होगी। 8 घंटे की बहस है, 8 घंटे की बहस है। ये सूचना जो विपक्ष और सरकार के बीच हुई बातचीत में तय हुआ वो मैं आपको सूचित कर रहा हूँ। अब मंत्री जी अपनी बात आप पूरी करें। उपसभापति महोदय, मैं ये बात बता चुका हूँ कि इस देश के सामान्य वर्ग के आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग को शैक्षणिक संस्थाओं में और भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं में 10% आरक्षण देने की दृष्टि से इस बात को ध्यान में रख करके बात पूरा होने दीजिए, मैं आपको समय दूंगा। ये बात पूरा होने दीजिए, मैं समय दूंगा। जहां साहब प्लीज प्लीज और लेट मिनिस्टर कंप्लीट, आई विल गिव टाइम टू यू। संशोधन किए जा रहे हैं और ये संशोधन इसलिए आवश्यक थे कि सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लोग हमेशा ये कहते रहते थे कि आखिर हमने सामान्य वर्ग में जन्म लिया तो कोई गुनाह नहीं किया है, हमारी भिन्न भिन्न कारणों से आर्थिक स्थिति अत्यधिक कमजोर है और भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो या अन्य किसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं उसका लाभ हमको नहीं मिल पाता है। मैं समय दूंगा आपको होने के बाद, मैं अपनी जगह बैठे हम पिछड़े हुए हैं। मैं आपको मिस्त्री सुन चुका हूँ, कविता साहब परिवार के हो गए हैं, हमको भी आनंद जी थोड़ी समय आपने मांगा, मैंने आपको दिया, आप आग्रह करूंगा कृपया लाभ मिले, मंत्री जी अपनी बात पूरी करने दे, इसके बाद ही मैं लिया है सोचूंगा। और ये निर्णय कोई जल्दबाजी में नहीं लिया है, अच्छी नीति से लिया है, अच्छे इरादे से लिया है, अच्छे सोच को लेकर के लिया है और उन लाखों करोड़ों सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों के आर्थिक और शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए लिया है ताकि वो भी अपना जीवन यापन अच्छे ढंग से कर सके। जहां तक जल्दबाजी की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस विषय पर एक बार नहीं अनेक बार संसद के दोनों सदनों में प्राइवेट मेंबर बिल के माध्यम से भी विचार विमर्श हुआ है, अनेक बार अनेक माननीय सांसदों ने दोनों सदनों में प्रश्न पूछ करके भी इस प्रकार की समस्या के समाधान के प्रयास किए हैं। इतना ही नहीं तो मंडल कमीशन जब बना था तो मंडल कमीशन ने भी सामान्य वर्ग के गरीब लोगों के हित में अपनी राय दी थी, प्रतिवेदन में ये उल्लेख किया था कि इन गरीब वर्ग के सामान्य लोगों को भी 10% आरक्षण देने की व्यवस्था की जाए। और मैं बताना चाहता हूँ सदन को कि 1991-92 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जी की बात पूरी होने से राजन साहब मनोज झा 10% आरक्षण दिया था, किंतु उस प्रावधान को सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया था और वह अस्वीकृत करने का कारण यह था कि आर्थिक आधार पर आरक्षण देने का संविधान में कोई प्रावधान नहीं था और हमने ये महसूस किया कि पहले इस प्रकार की सुविधा देने के लिए संविधान में प्रावधान करने की आवश्यकता है, इसलिए हमने ये संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इसके बाद एक सिनोक कमीशन भी बना था और वो सिनोक कमीशन ने भी इन वर्गों के हित के लिए बहुत सारी सलाह दी थी, बहुत सारी रिकमेंड्स की थी,
और उसमें भी अपेक्षा की थी कि इनको भी भारत सरकार और राज्य सरकार की सेवाओं का लाभ मिलना चाहिए। मैं खुशी के साथ कहना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने उसके बाद हमने उन रिपोर्टों पर कार्रवाई की और इन वर्गों के लिए कार्यालयीन आदेश जारी करके शैक्षणिक संस्थाओं में स्कॉलरशिप देने का प्रावधान किया। अगर इन वर्गों के कोई लोग एजुकेशन लोन लेते हैं तो जो लोन के ब्याज की राशि है वो हमारे विभाग की ओर से दी जाती है और डीनोटिफाइड और ऐसे बहुत सारे लोगों को हमने लाभान्वित करने की योजना चलाई है। मैं ये बात भी स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट की 50% की सीलिंग है वो एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को जो आरक्षण दिया जा रहा है उनके लिए है, उनके लिए आरक्षण के प्रतिशत में वृद्धि करने का प्रावधान नहीं है। सामान्य वर्ग से इसका कोई लेना देना नहीं है। वो अपेक्षा ये थी कि जो सामान्य वर्ग है उनके साथ भी न्याय होना चाहिए और हम ये 10% सामान्य वर्ग के गरीब लोगों को आरक्षण दे रहे हैं, उनके साथ न्याय करने वाला ये निर्णय हम करने जा रहे हैं। ये ऐतिहासिक निर्णय है, आज का ये क्षण ऐतिहासिक है, देश और दुनिया में आज का दिन याद किया जाएगा और इस विधेयक के पारित होने के कारण हिंदुस्तान के लाखों करोड़ों परिवार जो सामान्य वर्ग के हैं परंतु गरीब है उनको इसका लाभ मिलेगा। अमीरी और गरीबी की खाई में भी जो बड़ा अंतर है उसमें कमी आएगी। देश में अमन चैन का वातावरण लाने में हम सफल होंगे, देश में समता का वातावरण बनाने में सफल होंगे, समरसता लाने में भी हम अग्रसर होंगे। इसके साथ ही मैं आग्रह कर सकता हूँ कि इस विधेयक को पारित किया जाए। अगर कोई चर्चा होगी और चर्चा का उत्तर देना होगा तो बाकी बातों की जानकारी मैं उस समय दूंगा। ठीक है रंगराजन साहब, योर पॉइंट ऑफ ऑर्डर। यस सर। यस हेलो हेलो यस यस सर, द डिसीजन ऑफ द यूनियन कैबिनेट टू गिव 10% रिजर्वेशन टू इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अमंग द जनरल कैटेगरी इज द इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। फाइव इयर यू आर लॉस्ट। नाउ आई वुड लाइक टू ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ द हाउस, this is not a new under the discussion. Since Mandal Commission we are discussing about this, the bill fixed its findings of less than rupees 8 lakhs per annum, which will really benefit those truly deprived. I don't know which land is going to be taken. Lands are being mentioned, properties are mentioned. Two days nationwide strike. నిన్న లోక్సభలో ఈబీసీ బిల్లు అనేది ఆమోదం పొందింది, ఇవాళ రాజ్యసభ ముందుకు వచ్చింది. అయితే దీనికి సంబంధించి పార్లమెంట్లో చర్చ జరుగుతోంది. ఇప్పటి వరకు